लोकसभा चुनाव में भाजपा अपनी पूरी ताकत के साथ हर पहलू पर मजबूत पकड़ बनाने में लगी हुई है और बूथ अध्यक्षों के माध्यम से हर जन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में छठे चरण डुमरियागंज लोकसभा चुनाव के लिए जिले में भाजपा के बड़े चेहरों का दौरा तेज हो गया है। इसी कड़ी में आज जनपद मुख्यालय के ग्रीन रॉयल होटल में कपिलवस्तु विधानसभा बूथ सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने कार्यक्रम में पहुंचे बूथ अध्यक्षों को बूथ जीतने का गुरु मंत्र दिया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश की सुरक्षा और विकास के लिए मोदी का प्रधानमंत्री बने रहना जरूरी है, इसके लिए भाजपा को सत्ता में आना बहुत जरूरी है, इसलिए सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर हर सीट पर कमल खिलाना है। मीडिया के सवालों पर कहा कि विपक्ष हताश है, सिर्फ जनता को भरमाने का काम कर रही है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष यह जान चुकी है कि देश मोदी के साथ है और एक बार फिर विपक्ष बड़ी पराजय की तरफ बढ़ रहा है। विपक्ष हताश है, निराश है और हताशा और निराशा में ये बोल रहा है। यथार्थ ये है, तीन फेज की जो चुनाव हुए हैं अभी सभी सीटें भाजपा भारी बहुमत से जीती है। आज यहाँ आपने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन किया, यहाँ जो अध्यक्षों की उपस्थिति हो रही है उस हिसाब से आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं, कितने अंतर से लीड करेगा आपका प्रदेश? देखिए, यहाँ जिस प्रकार की सम्मानजनक उपस्थिति थी सख्त, ये इसका द्योतक है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है और पाल जी को फिर से लोकसभा में पहुँचाने का संकल्प है और मेरा विश्वास है कि यहाँ की जीत ऐतिहासिक बहुमत से होगी और जैसा 4 लाख से ऊपर से। सर, आकाश आनंद कह रहे हैं कि ये जो है आतंकवादियों की सरकार है, अब मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए क्या? आकाश आनंद के उस वक्तव्य का स्वयं मायावती ने उनको हटा दिया, इसलिए ये सब कपोल कल्पित बातें हैं। यथार्थ है, पूरा देश नहीं विश्व आज ये कह रहा है श्रीमान मोदी जी की सरकार फिर भारत में भारी बहुमत से। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये वोटिंग में गड़बड़ी हो रही है, चुनाव आयोग जल्द इस पे एक्शन ले। अरे, पंजाब के पहले हताशा है, ये हताशा जब होती है तो आदमी कहीं कहीं आरोप लगा देता है। विपक्ष का आरोप है कि बसपा जो है बी टीम बनकर खेल रही है, इसलिए आनंद पर जो है कार्रवाई हुआ है, एक्शन हुआ। विपक्ष तो प्रलाप कर रहा है, बसपा अपनी पार्टी को बचाने में लगी है। आज भारतीय जनता पार्टी के ताकत के सामने बसपा सपा सब बौने हो गए, घुटने नीचे आ गए, वो उनको दरिया रहे बूथ सम्मेलन के तेजी से आगे बढ़ रही। ये बूथ सम्मेलन के माध्यम से क्या संदेश जाएगा? बूथ सम्मेलन के माध्यम से इतना मुझे अनुभव हुआ, यहाँ के हमारे बूथ के कार्यकर्ता बहुत ही जागृत हैं और बहुत ही ऊर्जावान हैं और इनका ये संकल्प है भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से इस विधानसभा से, अभी जैसा पाल साहब कह रहे थे 1.5 लाख से अधिक वोटों से जिताने, तो मेरा विश्वास है कि 1.5 लाख से भी अधिक वोट।